नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.3 प्रश्न नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी पिछले प्रश्न की तरह हम पहले उल्टा मानेंगे। तो मान लो 3+2√5 एक परिमेय संख्या, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, हम मान रहे हैं ऐसा। तो यदि यह परिमेय है तो यह a/b रूप में होगा, जहां b 0 के बराबर नहीं हो सकता, जहां a और b पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब प्लस वाली या माइनस वाली संख्याएं हो सकती हैं और a 0 भी हो सकता है, और a और b सह अभाज्य हैं। यह इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि a और b सह अभाज्य हैं, यानी इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, सार्व गुणनखंड नहीं हो सकता। अब ध्यान से इसको हम देखें तो यह 3+2√5 = a/b। यहां से देखिए a/b ऐसे ही रहा, 3 यहां इसके साथ प्लस हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो यहां बच गया 2√5। अगले स्टेप में √5 = a/b − 3। 2 यहां पर इसके साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस रकम को आप ध्यान से देखिएगा, इस रकम के दो भाग हैं, एक है बराबर के लेफ्ट साइड पे, एक है बराबर के राइट साइड पे। यदि आप बराबर के, ये जो मैं निशान लगा रहा हूं ये आपने लिखना नहीं है, बराबर के यदि लेफ्ट साइड पर देखें √5, तो यह है एक अपरिमेय संख्या। रूट वाली संख्या हमने पिछले क्वेश्चन में अभी सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो √5 एक अपरिमेय संख्या। राइट साइड पे देखे, इस बराबर के निशान के राइट साइड पे देखे, 1/2 यह परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है 1/2। इसी प्रकार से a/b, इसको भी हमने ऊपर परिमेय संख्या माना है। इसी प्रकार से −3, 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी, और उस परिमेय संख्या को जब इस परिमेय संख्या से गुना करेंगे तब भी परिमेय संख्या ही आएगा। यानी इस पूरे हिस्से को जब हम हल कर लेंगे तो यह एक परिमेय संख्या आएगी। ठीक है बच्चों, दोबारा देखो, यह परिमेय, यह परिमेय, यह परिमेय, इनको हल करके परिमेय संख्या ही आएगी, लेकिन लेफ्ट साइड पे है अपरिमेय संख्या। तो यह एक विरोध आभास हो गया कि एक इक्वेशन की लेफ्ट साइड अपरिमेय और राइट साइड परिमेय, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसको दे दो इक्वेशन 1, तो आप लिख दो इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड अपरिमेय है जबकि RHS यानी राइट हैंड साइड परिमेय है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है कि ये दोनों बराबर हों, यह संभव नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना क्या थी कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है, तो अतः सिद्ध हुआ कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों एक बार इसको फिर से देख लो, हमने पहले इसको परिमेय माना और उसको a/b के बराबर रखा। ये पहले क्वेश्चन में भी सेम ही स्टेप था, यहां तक जहां a और b पूर्णांक है और a और b सह अभाज्य है, यानी इनका कोई सार्व गुणनखंड नहीं। तो 2√5, 3 यहां प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, 2 यहां गुना हो रहा है उधर जाके हो जाएगा भाग। तो आप यहां देखेंगे ये लेफ्ट साइड पे बच गई रूट वाली संख्या जो क्या है अपरिमेय, यहाँ ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, इनको हल करेंगे तो आएगा परिमेय। तो
तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड अपरिमेय है, राइट हैंड साइड परिमेय है, यह संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत थी, अतः सिद्ध हुआ कि 3+2 = 5 एक अपरिमेय संख्या। आपको जो जहां से ना समझ आया वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना बच्चों। प्रश्न दो में फिर से जैसे हमने प्रश्न एक में किया था वैसे ही प्रश्न दो का इसको ए भाग मान लेना। बुक में सिर्फ एक ही है, इसको आप ए भाग मान के बेटे एक क्वेश्चन ना अपनी तरफ से तैयार करो जिसमें आप सिद्ध करो कि 2+5√3 बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी मैंने फिगर्स को बदल दिया, एक अपरिमेय संख्या। अच्छा ऐसे करते हैं, हम यहां पर 5 की जगह 7 मान लेते हैं, ठीक है। इसको आप खुद से हल करो जैसे आपने ऊपर किया, बिल्कुल सेम स्टेप्स, एक एक अक्षर मिलना चाहिए जो मैंने लिखवाया, बिल्कुल उसी तरह से वैसे ही अक्षर लिख के आप इसको हल कीजिए, आपका अभ्यास भी हो जाएगा। थैंक यू।